गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे मैंडिबुलर फ्रैक्चर के बारे में। तो बेसिकली सर्जरी का बहुत ही लिस्ट आस्ट टॉपिक है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन तुम्हें फिर भी आना चाहिए। ठीक है, पूछ लिया था हम लोग से, एक शॉर्ट नोट आ गया था एग्जाम में। तो मोस्ट कॉमन साइड ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर जो होता है कंडाइलर नेक होता है, जो कि वीकेस्ट पार्ट ऑफ मैंडिबल होता है। मोस्ट कॉमन साइड होता है मैंडिबुलर फ्रैक्चर का, जो कि कंडाइलर फ्रैक्चर होता है। कंडाइलर नेक पे जो फ्रैक्चर होता है वो वीकेस्ट मोस्ट कॉमन। देखो मैंडिबुलर फ्रैक्चर का मोस्ट कॉमन साइड क्या है, कंडाइलर नेक है। ठीक है, वीकेस्ट पार्ट ऑफ मैंडिबल जो होता है। फ्रैक्चर कैन ऑकर एट द साइट ऑफ द ब्लो और ठीक है, फ्रैक्चर जो होता है साइट ऑफ द ब्लो पे हो सकता है या गार्ड्समैन फ्रैक्चर हो सकता है। फोर्स फ्रॉम द साइट ऑफ द ब्लो इज ट्रांसमिटेड टू द डिस्टेंट साइड, उसको गार्ड्समैन फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे तुमने जहाँ पे फोर्स लगाया, तुमने मान लो कि अपने मुक्के से कहीं भी मैंडिबल फ्रैक्चर मारा, लेकिन उसके डिस्टेंट साइड पे जाके होगा, जैसे गार्ड्समैन फ्रैक्चर कह सकते हैं या तो ब्लड फ्लाई फ्रैक्चर होगा। सेगमेंट ऑफ मैंडिबल इज अटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैंडिबल इन अ कैनाइन रीजन। तो कैनाइन रीजन में क्या हो गया, सेगमेंट कुछ एक सेगमेंट जो है मैंडिबल का जाके डिटैच्ड हो गया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैंडिबल से। दो तरीके के फ्रैक्चर होते हैं, एक गार्ड्समैन फ्रैक्चर होता है, एक बटरफ्लाई फ्रैक्चर होता है। गार्ड्समैन फ्रैक्चर में बेसिकली क्या होता है, फोर्स फ्रॉम द साइट ऑफ ब्लो इज ट्रांसमिटेड टू द डिस्टेंट साइड। जो तुम्हारी फोर्स है जो कि साइट से हमारी इमर्ज हुई है वो डिस्टेंट साइड पे चली जाए। बटरफ्लाई फ्रैक्चर में क्या होगा कि सेगमेंट ऑफ मैंडिबल इज डिटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मैंडिबल कैनाइन रीजन। तो जो सेगमेंट है मैंडिबल का वो डिटैच हो गया रेस्ट ऑफ द मैंडिबल से फ्रॉम द कैनाइन रीजन। ठीक है ना, कंडाइलर नेक का मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर कैन ऑकर एट द साइट ऑफ ब्लो। ठीक, डायग्नोसिस कैसे करोगे, पैनोरमिक रेडियोग्राफ कर लो कि पूरा का पूरा रेडियोग्राफी ले लो, डाउन्स व्यू एक्सरे तुम कर सकते हो। मैनेजमेंट कैसे करोगे, रिस्टोरेशन ऑफ डेंटल ऑक्लूजन इफ इट इज इन द फाउंडेशन ऑफ द मैंडिबुलर फ्रैक्चर मैनेजमेंट, राइट। तो रेस्टोरेशन कर दो डेंटल ऑक्लूजन का, कोई डेंटल ऑक्लूजन उसका रेस्टोरेशन कर दो, इट इज द फाउंडेशन ऑफ मैंडिबुलर फ्रैक्चर मैनेजमेंट। ठीक है, रेस्टोरेशन करना है डेंटल ऑक्लूजन का, ये इसका क्या है, फाउंडेशन है मैंडिबुलर फ्रैक्चर मैनेजमेंट का। ठीक है, तुम्हें रेस्टोरेशन करना है किसका, डेंटल ऑक्लूजन का। इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कर दो बिफोर फ्रैक्चर एक्सपोजर प्लस प्लेटिंग इज डन। तो इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कर सकते हो बिफोर फ्रैक्चर एक्सपोजर। ठीक है, पहले तो फ्रैक्चर को एक्सपोज करने से पहले वहाँ पे इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कर दो और उसके बाद क्या करो, प्लेटिंग कर दो। ठीक है ना, पहले क्या करना है, बेसिकली तुम्हें क्या करना है, जब फ्रैक्चर को पहले एक्सपोज करने से पहले तुमने क्या करना है कि उसके जो इंटरमैक्सिलरी उसमें फिक्सेशन कर देना है। ठीक है, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन करना और प्लेटिंग कर देना है। फॉर कंडाइलर एंड सबकंडाइलर फ्रैक्चर ओनली इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन इज डन। तो कॉन्डाइलर और सब कॉन्डाइलर जो कि मोस्ट कॉमन साइट है आपका फ्रैक्चर का, तो वहाँ पे केवल इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन कर दोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है ना, क्या क्या करना है, रेस्टोरेशन और डेंटल ऑक्लूजन, इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन प्लस प्लेटिंग इज डन। फॉर कॉन्डाइलर एंड सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर ओनली इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन इज सफिशियंट। तो कॉन्डाइलर और सब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर के लिए केवल इंटरमैक्सिलरी फिक्सेशन ही सफिशियंट है। तो ये बात रही तुम्हारी मैंडिबुलर फ्रैक्चर के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आओगे। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तक ले बाय।